guys, welcome back to our channel. I'm Shweta. And I'm Shreya. So guys, we are back with another video today. और आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं बगीरा मूवी के ऑफिशियल ट्रेलर पे. कन्नड़ा ट्रेलर है ये, क्योंकि हिंदी ट्रेलर जो है वो आउट नहीं हुआ है. सुनने में आया है कि हिंदी ट्रेलर ये मूवी के आने के बाद OTT में आउट करने वाले हैं. आई डोंट नो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, बट सुनने में मुझे तो यही आया है. मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन है. टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रेलर एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन. तो स्टार्ट करते हैं. अम्मा देवरी अक्कम्मा ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕಮ್ಮ ಬರಲ್ಲ? ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ಮಿತಿ ಮೀರಿದಾಗ, ಒಳ್ಳೆದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆವಿಯಾದಾಗ, ಸಮಾಜ ಕುಲ್ಗೆಟ್ಟಾಗ, ಮನುಷ್ಯರು ಮೃಗಗಳಾದಾಗ, ಅವನು ಅವತಾರ ಎತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಾಗೇ ಬರಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸನಾಗೂ ಬರಬಹುದು. ಯಾರು ಈ ನರಹಂತಕ ಹಗೀರ? ಇಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗಿ ಸಾಯಿಸಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ಯಾರೋ ರಕ್ತ ಕುಡಿಯೋ ರಾಕ್ಷಸನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ವೇದಾಂತ್ ನೀವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ನಾನು ಹೀರೋನೇ, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹೀರೋನೇ ಕಣ. ಸರ್ ಬಗೀರ ಸಾಯ್ತಿರೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಸರ್. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಅವನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. Because I want him dead or alive at any cost. How next are you, Baku? Save yadar gale ninti da. Bhaya atelva. Kannadiyal nannanna nodkondre ne bhaya padala. ನೀನ್ಯಾರು? ನನ್ ಜನರನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಕಿನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಕಾಪಾಡೋ ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ओके गाइस, सो दिस वाज द ट्रेलर. सो बेसिकली बगीरा जो है ही इज अ क्रिमिनल, मतलब इन द आईज ऑफ पुलिस, जहां तक मुझे समझा है कि वो जो है वो क्रिमिनल है पुलिस के नजरों में. एंड स्टार्टिंग में एंड आई थिंक वो ये करते हैं, जो गलत काम करते हैं उनको वो खत्म करते हैं. क्योंकि स्टार्टिंग में जो डायलॉग था एक लेडी का, मुझे वो सुन के लगा कि जो इतनी गलत चीजें होती है इस दुनिया में, मुझे उनका यही लगा कि तो उनको मारने के लिए बेसिकली बगीरा जो है वो आगे आते हैं. मुझे ये ट्रेलर चाहिए था हिंदी में, बट कोई बात नहीं है, हिंदी में जब आएगा तब देख लेंगे. बट हाँ, ट्रेलर बहुत अच्छा है एंड यस, एक्शन सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं इस मूवी के. मुझे सिनेमेटोग्राफी नो डाउट यार, अभी लास्ट कुछ टाइम से हम लोग साउथ के जितने भी एक्शन मूवीज पे रिएक्शन दे रहे हैं, कनगुवा पे दिया और भी तीन चार मूवीज के हमने दिए, कमाल के हैं सिनेमेटोग्राफी. एंड इसका भी सिनेमेटोग्राफी जो है वो कमाल का है. जो और एक्शन तो यार साउथ का होता ही अच्छा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो डाउट बहुत अच्छा होता है. जब उन्होंने वो लाइन बोला ना, आई वॉन्ट हिम अलाइव और डेड, मुझे उस जगह पे काफी क्लियरेंस मिली कि ओके, ही इज बेसिकली क्रिमिनल इन देयर आईज, बट वो मसीहा है उन लोगों का जो लोग पीड़ित होते हैं बेसिकली, जिन लोगों को टॉर्चर किया जाता है और जो लोग गलत काम करते हैं उनको जब पुलिस नहीं सजा दे पाती तो ये जो है वो उनको मारते हैं. सो यह कैरेक्टर बहुत पावरफुल है, स्टोरी लाइन भी बहुत पावरफुल लग रही है.
एंड ये सिनेमेटोग्राफी वगैरह डायरेक्शन तो है ही पावरफुल. सो यह मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली एंजॉयड इट. मुझे बहुत पसंद आया ये. मुझे ऐसा डायलॉग्स तो नहीं समझ आया क्योंकि सब टाइटल्स भी नहीं थे एक्चुअली. नोट मुझे एक भी डायलॉग नहीं समझ आया. आई एम सॉरी फॉर दैट. और मुझे लगा था कि एटलीस्ट सब टाइटल्स होंगे. सो मूवी स्टार्ट हुआ तो मैंने देखा सब सॉरी आई थिंक क्या बोल रहे 3, 2, 1 स्टार्ट. बट जब ट्रेलर स्टार्ट हुआ तो आई सी की सब टाइटल्स भी नहीं है. मैंने उसको बोला भी कह रहे सब टाइटल नहीं है. तो या अगर मैं वो लैंग्वेज बैरियर को छोड़ दू तो उसको हटाकर जो सीन्स थे जो वीडियो था जो उनकी जो डायलॉग डिलीवरीज थे. हाँ भले मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने क्या कहा बट जो डायलॉग डिलीवर हो रहा था वो डिलीवर करने का तरीका एंड वो टाइम फ्रेम बहुत सही लग रहा था. एंड जिन्होंने बोला कि आई वॉन्ट हिम अलाइव और डेड उनको तो हम सब जानते ही हैं कि वो मोस्ट ऑफ द मूवीज में विलेन ही प्ले करते थे. बट यहाँ पे आई थिंक विलेन नहीं है. आई थिंक कमिश्नर और समथिंग कुछ विलेन नहीं होंगे. वो होता है ना कि एक जो जिसने गुनाह किया है उसको सजा देने का हक हमारे सिस्टम का है. तो अगर कोई और दे रहा है तो वो उनके नजरों में फिर क्रिमिनल है. तो मतलब वो भी गलत ही है बेसिकली. सो उस हिसाब से मतलब स्टोरी लाइन जितना समझा देख कर वो तो काफी सही लग रहा था. तो आप हमें थोड़ा कमेंट में बताना कि यही स्टोरी लाइन है या नहीं क्योंकि हम तो यही गेस कर पा रहे हैं कि यही है. एज वो लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है तो क्लियर नहीं हो पा रहा है. एंड बट आई वांट टू सी दिस मूवी जब ये ओटीटी में आए हिंदी में. आई वांट टू सी दिस मूवी क्योंकि मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है कैरेक्टर्स भी और डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका भी. स्पेशली एक्शन मूवीज जो होता है मुझे अच्छा लगता है. एक्शन मूवीज और हॉरर कॉमेडी एंड हॉरर मूवीज ये जो होते हैं ये मेरा जेनर है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दिस. सो यस गाइज दिस वॉज आवर रिएक्शन. वी होप आपको अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना. और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तब तक नोटिफिकेशन जा सके. एंड गाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं. अगर आप हमें अभी फॉलो करना चाहो तो आप हमें अभी फॉलो कर सकते हो. और हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.